तो आई थिंक ये मूवी अब तो सारे के सारे सुपर हीरो फैंस ने देख लिया है, जिस मूवी का नाम है एवेंजर्स एंड गेम। तो इस मूवी के बारे में हम काफी कुछ डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि टाइम ट्रेवल वाली स्टोरी, क्योंकि टाइम ट्रेवल जहां आता है वहां कन्फ्यूजन तो आता ही है, और कन्फ्यूजन जहां आता है वहां मुझ जैसे लोगों को वीडियो बनाना ही पड़ता है, और मैंने वीडियो बनाया है ताकि आपका टाइम ट्रेवल वाला कन्फ्यूजन दूर हो जाए। और दूसरा कि जो जो एवेंजर्स हमें एवेंजर्स एंड गेम में छोड़कर चले गए हैं, क्या वो हमें आगे किसी मूवी में दिखेंगे, इस मूवी बात पर भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का कंक्लूजन बेल आइकन दबाकर। सुपर फैंस, मेरा नाम है सोहेल और आप देख रहे हैं सुपर हीरो कंक्लूजन। अब जब वीडियो स्टार्ट हो चुकी है तो उसमें मैं कहना चाहूंगा सबसे पहले टाइम ट्रेवल के बारे में। टाइम ट्रेवल यह है कि एमसीयू में बाकी फिल्मों की तरह टाइम ट्रेवल काम नहीं करता। तो सबसे बड़ा आंसर आपको यही मिल गया कि अभी तक आपने जितने भी टाइम ट्रेवल देखी है वो सारी गलत है। एमसीयू के हिसाब से आप उन्हें भी टाइम ट्रेवल को सही मान सकते हैं और एमसीयू को भी। ऐसे सारी टाइमलाइन तो फिक्शनल होती है, तो हम एमसीयू वाले को ही सही मानते हैं क्योंकि हम यहाँ एमसीयू के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो एमसीयू के हिसाब से टाइमलाइन ये होता है, अगर कोई पीछे की टाइमलाइन को जाकर उसमें छेड़छाड़ करता है तो उससे प्रेजेंट टाइम पर कोई असर नहीं होता है। जैसे कि थॉर जब एसगार्ड जाकर अपना पुराना म्योनर ले लेता है तो उससे होगा क्या, वो पुराना वाला जो थॉर है उसके पास कोई भी म्योनर नहीं होगा, तो वहां से एक अलग टाइमलाइन चलने लगेगी और उस टाइमलाइन का इस टाइमलाइन पे कोई असर नहीं होगा। तो जस्ट वही हुआ, वहाँ पर ये टाइमलाइन चलना शुरू हो गई और ये टाइमलाइन कुछ आगे बढ़ती गई जब तक कि एवेंजर्स एंड गेम में जो कुछ हुआ, जैसे कि थैनोस के साथ फाइट और आयरन मैन का सेक्रीफाइस और ब्लैक विडो का सेक्रीफाइस या कैप्टन का बुरा होना, ये सब आपस में कनेक्टेड है। तो जब लड़ाई ख़त्म हो जाती है तो आपने लास्ट में देखा कि कैप्टन अमेरिका म्योनर लेकर टाइम में पीछे जाते हैं, तो वो वहीं जाकर वापस से उसी जगह पर हैमर को रख देते हैं, जिसकी वजह से जो टाइमलाइन वहां से चलना शुरू हुई थी वो वहीं जाकर रुक जाती है और वापस से प्रेजेंट टाइमलाइन में मिल जाती है। और वही चीज़ यहां पर एंशन वन ने भी समझाया था, जहां पर उसी समय वापस टाइम स्टोन को रखने की वजह से वहां पर टाइमलाइन जो वापस चलना शुरू हो गई थी वो फिर से इसी टाइमलाइन में मिल जाती है। इसीलिए तो ये लोग बचपन में जाकर थैनोस को नहीं मारते। ऐसे वहां पर ये कारण दिखाया गया कि थैनोस को बचपन में मारने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेजेंट टाइमलाइन पे इसका कोई असर नहीं होगा। बट वहाँ फनी वे में ये कहा गया कि हम बच्चों को नहीं मारते। ऐसा सही बात है, हीरोस किसी को भी नहीं मारते, क्योंकि और जब बात आयरन मैन की हो रही है तो आयरन मैन ने खुद को सेक्रीफाइस कर पूरे यूनिवर्स को बचाया थैनोस के आतंक से, क्योंकि अगर थैनोस वहाँ रहता तो थैनोस फिर से सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता, और इस बार तो वो हाफ ऑफ यूनिवर्स को नहीं पूरे के पूरे यूनिवर्स को ही ख़त्म करने वाला था, ताकि वो फिर से एक नया क्रिएशन करे और वो गॉड बन जाए। और जिन लोगों को लग रहा है कि थैनोस उसमें मरा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आयरन मैन ने जस्ट ऐसा सोचा कि उसकी चित्तौड़ी आर्मी या उसके जो भी आर्मी है और थैनोस, वो सब अपने 2014 या 13 वाले टाइमलाइन पर वापस चले जाए। तो जस्ट उसकी उस चुटकी से वो सारे धूल बनकर वापस से उसी टाइमलाइन में चले गए जिस टाइमलाइन से वो अब आए थे, और वहाँ से उन्हें कुछ भी याद नहीं, तो वापस से वो प्रेजेंट टाइमलाइन में मिल गया। तो जैसा कि 2018 में होता है कि थैनोस आकर अर्थ पर हाफ ऑफ यूनिवर्स को ख़त्म कर देता है, तो वो चीज़ तो हो नहीं थी। और जहाँ तक कैप्टन की बात है, तो कैप्टन सब कुछ लौटाने के बाद पैगी पार्कर के पास रुक जाता है और वहाँ पर वो अपनी पूरी ज़िंदगी पैगी पार्कर के साथ ही गुजारता है। और अब लोग कहेंगे कि वो बूढ़ा कैसे हो गया, तो पैगी कार्टर के साथ वो पूरा का पूरा 100 ईयर्स बिना लड़े गुजार कराया, जिसमें उसने कभी भी किसी तरह की भी फाइट वगैरह नहीं की, जहाँ पर वो आराम से अपनी ज़िंदगी को जी कराया है। और जिस वजह से हमें पता भी नहीं कि उसने अपनी ज़िंदगी को 100 साल जिए या 200 साल या 400 साल, वो कितने साल जी कराया है ये बात भी हमें पता नहीं है। तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी जी के आया है, इस वजह से वो वहाँ बूढ़ा हो गया। और जहाँ तक न्यू शील की बात है,
तो वो आते वक्त वकांडा में जाकर नया वाइब्रेंट का सील तो बना ही सकता है, या वो पुराने टाइम पे जाकर, जब वो पुराने टाइम से आया ही है तो उस टाइम पे तो वो लड़ाई नहीं कर रहा होगा, तो सील तो बना ही होगा, और सील अगर बना होगा तो उसी सील को वो फैलकर को लाके दे सकता है। और या ऐसा भी हो सकता है कि वो वकांडा से नया सील ही बनवा कर लेकर आ सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। और शायद कैप्टन अमेरिका 4 आकर ये सब जो कन्फ्यूज़न है इसे दूर कर दे। तो यहाँ से एक और कन्फ्यूज़न दूर हो गया कि आगे भी फेस 4 में ये सारे सुपर हीरोज तो हमें किसी न किसी तरह से दिखेंगे, यहाँ तक कि आयरन मैन, ब्लैक विडो की तो आप जानते ही हैं सोलो मूवी आने वाली है, क्योंकि एमसीयू वाले कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग ने फाइनली रिटायरमेंट ले ही लिया है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये आगे जाकर फिल्म कर सकते हैं, बस पब्लिक को ऐसा बात नहीं बताया जा सकता, क्योंकि बहुत कुछ एमसीयू वाले हमसे छुपाते भी हैं, क्योंकि जब उन्होंने फिल्म की कहानी इतने दिन तक छुपा सकते हैं तो वो कुछ भी छुपा सकते हैं। बट फिर भी फिल्म की काफ़ी कुछ तो स्पॉयल हो ही चुकी थी मूवी से पहले, यहाँ तक कि हमें पहले तो पता ही चल गया था कि ये मूवी टाइम ट्रेवल बेस पर होने ही वाली है। का फेज फोर में एक नया आगाज़ होगा, बट फेज 3 वाले जो हीरोज़ हैं वो हमें छोड़कर शायद नहीं जाएंगे, क्योंकि उनसे ही तो पूरी फेज की स्टार्टिंग हुई है। और बिना आयरन मैन, बिना कैप्टन अमेरिका, या बिना 6 मेनली एवेंजर्स के बिना एवेंजर्स का तो कोई मतलब ही नहीं है। और अभी आप जानते हैं कि सीक्रेट वॉर वाली स्टोरी पर भी काम चालू होने वाला है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये सब सीक्रेट वॉर के लिए ही सीक्रेट रखा जा रहा हो। तो आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ पता चल गया है, और सारी कन्फ्यूज़न तो खत्म हो ही गई होगी। अगर कन्फ्यूज़न खत्म नहीं हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपके लिए डेली वीडियो अपलोड कर आपको उससे नोटिफाई रखूँगा, ताकि आपको हर एक बात एवेंजर्स के बारे में पता चल जाए। और अब जून में स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम आने ही वाली है, तो हम उसे भी देखेंगे, और उसे कहा जा रहा है कि वो फेज 3 की आखिरी मूवी है। और उसके बाद जब फेज 4 का स्टार्टिंग होगा तो हमें बताया जाएगा कि कौन कौन सी मूवी आने वाली है। जैसा कि हमें कुछ पता भी है, डॉक्टर स्ट्रेंज 2, कैप्टन मार्वल 2, ब्लैक विडो की सोलो मूवी जिसमें उसका प्रीक्वल दिखाया जाएगा, और अनॉन एवेंजर्स मूवी ये भी आने वाली है, और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 को तो हम भूल ही नहीं सकते। तो इतनी सारी मूवी आने ही वाली है फेज 4 में। तो अब क्या, तो अब वीडियो का एंड करेंगे, फिर मिलेंगे किसी और कंक्लूजन के साथ। हम यहाँ पर डेली वीडियो अपलोड करेंगे अगर आप व्यूज़ अच्छी लाएंगे, अगर आप वीडियो देखेंगे नहीं तो कभी कभी हमारा भी मनोबल टूट जाता है वीडियो बनाने का। तो वीडियो का बनाने का मनोबल को तोड़े ना, इसे बनाए रखें व्यूज़ देकर, अपना समर्थन देकर। तो फिर चलता हूँ, फिर मिलूंगा किसी और कंक्लूजन के साथ। तो तब तक के लिए, टिल देन, बाय।